कि रिजवान अहमद हिंदू शब्द का अर्थ इतना गंदा है कि इसको बोलने अगर हम बताएंगे तो शर्मिंदा हो जाएंगे, कांग्रेस के एक नेता ये कहते हैं। और उदित राजजी उस बात से सहमत नहीं है, लेकिन कहते हैं हिंदू शब्द का तो कोई अर्थ ही नहीं होता, कहीं लिखा ही नहीं है, क्या करिएगा? मैंने यह नहीं कहा, गलत मत कहिए कि अर्थ नहीं होता। उदित राजजी की बात पे आने से अपने बीच में बोलते हैं बॉस। उदित जी चर्चा हूं, हाँ, एक हेल्दी डिस्कशन कर रहे हैं। लेट रिजवान अहमद मेक हिज पॉइंट। उदित राज की बात से रिजवान अहमद आप क्या समझे, 10 सेकंड में, 20 सेकंड में वो बता दीजिए आप, फिर आगे बोलिएगा। जी बता रहा हूं, अभी जितना डिबेट में मैंने सुना, हमारे भाई ने कहा कि किस साहब की राजनीति में होड़ मची हुई है कि कौन ज्यादा बड़ा हिंदू है। यही तो अमीश भाई रोना है इस देश का कि इस बात की होड़ मची हुई है कि कौन बड़ा हिंदू है। जब तक इस बात की होड़ मची थी कि कौन ज्यादा बड़ा सेक्युलर है, हर आदमी को यहां पर पेट में दर्द नहीं होता था, जो अब हिंदू के नाम से दर्द होना शुरू हुआ है। दूसरी बात, एक ऐसी भी पार्टी है जो यही साबित करने में लगी हुई है कि वो मुसलमानों की सबसे बड़ी रहनुमा है। आपको वो छोटा रिचार्ज बोलते हैं जो दो राज्यों में सरकार चला रही है और 5 सांसद हैं, तो भाई ये सोचो कि अगर तुम उसे छोटा रिचार्ज बोल रहे हो तो तुम इस देश की राजनीति में क्या हैसियत और क्या औकात रखते होगे? अब मैं बात करता हूं हिंदू की। कल एक AIMIM के प्रवक्ता पवन राव अंबेडकर ने यह कहा कि तमिलनाडु का हिंदू विदाई के समय अपनी गोद में अपनी बेटी को बिठा के उसका शारीरिक शोषण करता है। ये AIMIM के प्रवक्ता ने कल बोला है कार्यक्रम में नहीं। अब मैं उदित राज जी पर जाता हूं। जी 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 उदित राज जी, आपको एक बात नहीं मालूम होगी, आपके डिबेट में नहीं हुआ, किसी और डिबेट में हुआ है। उदित राज जी, अब मैं बोल रहा हूं, बीच में ना बोलिएगा, बोलेंगे तो पलट के जवाब दूंगा। ये बात आपको नहीं पता होगी कि इस्लामी संस्कृति में एक बड़ी महत्वपूर्ण महिला थी, उसका नाम था हिंद। बैटल ऑफ यारमुक में अबू सुफियान की वो पत्नी थी और अबू सुफियान से वो नस्ल निकली, उमायद डायनेस्टी, जिसने इस्लाम को 100 साल राज किया और पूरे दुनिया में फैलाया। उस औरत का नाम था हिंद। पता है ये नाम क्यों रखा गया था हिंद? अरबी संस्कृति में, ज्ञान दे रहा हूं ले लीजिए, अरबी संस्कृति में हिंद को माना गया, हिंदुस्तान को देखते हुए, प्रॉस्पेरिटी, उन्नति और तरक्की। भारत हिंद के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर था। जब कुरान शरीफ की पहली आयत आई थी और औरतों का नाम अरब में और आदमियों का हिंद रखा जाता था, हिंद, और सिंधु की वजह से जुड़ के बना हिंदू, और वो औरत भारतीय अरबी संस्कृति में हिंद के नाम से मशहूर हुई। तो ये बोलने से पहले कि हिंद का मतलब गलत है, पहले पर्शियन और अरबी संस्कृति पढ़ लो, उसके बाद बोलो कि हिंद का मतलब होता क्या है। उदित जी, अब उदित जी की टर्न है, उदित जी अपनी बात को कंप्लीट करेंगे। उदित जी आपके पास 50 सेकंड है, फिर मैं प्रेम शुक्ला आपके पास आऊंगा। उदित जी देव, अमित जी इसमें तो मेरा कोई विवाद है ही नहीं पार्टी का। अमित जी, जब उनका सतीश झारखोली जी के बयान को हमने खुद ही निंदा कर दी, और ये जो रिजवान जी हैं ये अपना व्याख्यान कर रहे हैं। आप अभी एक प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा कि अग्नि पुराण में है, तो इस बहस में मैं कोई तीसरा कौन होता हूँ? ये तय कर लें आपस में। रिजवान जी की बात सही है कि इनकी ये जो दूसरा अभी कह रहे थे अग्नि पुराण सही बात है, मुझे इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। दोनों में है, वायु पुराण मैंने कहा था, वायु पुराण और अग्नि पुराण। उस बयान किसे? तो भैया आप दोनों तय कर लीजिए कहां से कहां क्या स्रोत है। मैं देखिए, कोई राहुल गांधी भी तो हिंदुत्व को गाली देते हैं ना। 10 सेकंड अमीश भाई, अमीश भाई 10 सेकंड। ओके रिजवान अहमद 10 सेकंड दिए, 10 सेकंड दिए, देन वेट कर रहे हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। बोलिए रिजवान अहमद। अमीश भाई, ये लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। अरे हिंद, जिस औरत की मैं बात कर रहा हूं वो पहले आई थी या पुराण पहले आए थे? पुराण में पहले हिंदू का जिक्र आया। हिंदू का मतलब वो क्षेत्र कहलाया जहां उन्नति थी,
खुशहाली थी, तरक्की थी, सोना था, पैसा था, उसके नाम पर अरबियों ने अपना नाम औरतों का हिंद रखना शुरू किया। यार आप कह रहे हो दोनों में कौन सही है, अरे दोनों सही हैं यार, आप बातें कैसी करते हो। उदित राज जी, क्या हिंदू और हिंदुत्व को कोसने के पीछे कांग्रेस का कोई पॉलिटिकल प्रयोग है? अच्छी बात है, नहीं पॉइंट यह है कि हिंदू और हिंदुत्व को कोसने के पीछे कांग्रेस का सियासी प्रयोग है क्या? दोनों की बात सही है तो दोनों सही है। ओके, मैं प्रेम शुक्ला करूं, करता हूं लगातार इंतजार, लोगों का क्या लेना देना। ठीक है, प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला दोनों।